आज हम बनाने वाले हैं प्याज की कचौड़ी। ये राजस्थान की है और राजस्थान में भी बेसिकली जोधपुर की। इसे हम सर्व करेंगे हरी और मीठी चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्नैक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इसका डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल भर कर मैदा लिया है और 2 चम्मच सूजी ली है। और बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, और इसे भी क्रश करके डालेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम 2 चम्मच भर कर घी डालेंगे। इससे हमारी कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पानी हमें धीरे धीरे डालना है और इस तरह से मसल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा डो रेडी है और इसे थोड़ा सा नीट करना है। थोड़ी सूजी डाली है मैंने इसमें और बहुत अच्छे से नीट करना है। तो दोस्तों, सूजी के साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया है और इसे थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से नीट करेंगे। नीट करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी कचौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार होगी। तो इस डो को बनाने में हमें लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सारा जो मैदा है लेते हुए डो तैयार कर लेना है। डो हमारा रेडी है, इसे ढककर अब सेट होने देते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं कचौड़ी के अंदर की फिलिंग। इसके लिए मैंने 3 प्याज, 2 बॉइल्ड आलू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ली है। इस रेसिपी में हमें प्याज बहुत ही बारीक कट करने हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से एक कटर से कट कर रही हूँ। इसमें जो प्याज है हमारे बहुत अच्छे से बहुत बारीक कट कर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे प्याज कट के तैयार हो चुके हैं। इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने प्याज, हरी मिर्च और अदरक सभी तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है। उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर कर सौंफ और 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। अगर आप चाहें तो इन्हें साबुत भी ले सकते हैं, साबुत भूनने के बाद भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है और हमने इसे एक बाउल में रख लिया है। 2 से 3 मिनट ही हमें इस मसाले को रोस्ट करना है। तो फिर से हमने वही पैन रख दिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच भर कर ऑयल डाला है। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है और अब बारी है इसमें वो मसाला डालने की। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मसाला डाल देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसकी खुशबू जो है मसाले में बहुत अच्छी आए। इसके साथ ही हमने जो बारीक ग्रेट करके रखा था अदरक और लहसुन, दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें डालनी है। अगर आप चाहें तो ग्रेटेड जो लहसुन हमने डाला है उसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, इससे इसमें मसाले के अंदर खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। तो इन्हें हमें ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें जो भूनने का प्रोसेस करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो साथ के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कलर वाली लाल मिर्च, उससे इसका जो तीखापन है वो नहीं रहेगा। और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं
तो आप इसमें नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं। साथ के साथ ही हमने नमक भी डाल दिया है ताकि मसाले से जितना भी पानी निकलना है वो निकल जाए और फिलिंग हमारी बहुत अच्छी ड्राई बनकर तैयार हो। तो इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। और चलिए अब इसमें डाल लेते हैं बेसन। बेसन डालने से इसकी जो पानी जो प्याज छोड़ता है वो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन, और जो हमारी फिलिंग है बहुत अच्छी और ड्राई बनकर तैयार होगी। तो आप बेसन को पहले से भूनकर भी ले सकते हो। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसे ढक के कुक कर लिया है, और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं बॉइल्ड पोटैटो। मैंने इसमें 2 बॉइल्ड पोटैटो हैं उन्हें इस तरह से क्रश करके डाल दिया है। ये भी हम बाइंडिंग के लिए इसमें डाल रहे हैं, इससे जो फिलिंग है उसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और खटाई के लिए मैंने इसमें डाल दी है 1/2 चम्मच टार्टरी। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का शर्बत भी डाल सकते हो। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है, मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था। तो ये सारे मसाले इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। हमारी फिलिंग तैयार हो गई है और उसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट बाद हमारा जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इसके इक्वल जो है हम गोलियां इस तरह से काट लेंगे। हमें रोटी के साइज़ की गोलियां इसकी कट करनी है, और इस तरह से गोल बना के और इसे बेल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी बेल सकते हैं। साथ ही मैंने मसाला जो है उसके इस तरह से गोल लड्डू टाइप से बना लिए हैं, लगभग जो नींबू होता है उसके साइज़ के। इससे हमारी जो कचौड़ी है उसमें मसाला बहुत अच्छे से सब जगह लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने मसाले के गोल गोल लड्डू बना लिए हैं। चलिए अब इसे भर लेते हैं। हमने जो रोटी है इस तरह से बेल दी है पूड़ी के साइज़ की। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी बेल सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो किनारे हैं वो थोड़े पतले रखने हैं, जबकि बीच में हमें थोड़ा मोटा तैयार करना है। तो अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे बना सकते हैं और बेलन से भी बेल सकते हैं। तो दोस्तों फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से हमें बेलना है रोटी की शेप में। बस थोड़ा जो पूड़ी हम बनाते हैं उस शेप में बेल लिया हमने, मसाला इसमें भरा, और इस तरह से हल्के हाथों से हमें बेलना है। इस तरह से आप इसे हाथों की सहायता से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कचौड़ी सारी जो है इसी तरह से हमें भर कर और इस तरह से इसे बना लेना है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस हमें इस तरह की रखनी है, हाथों से इस तरह से इसके किनारे ज़रूर पतले करने हैं। यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है और ये बिल्कुल मीडियम गरम है। इसमें मैंने कचौड़ी डाल दी है और हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कचौड़ी जो है मीडियम से लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करनी है, क्योंकि कचौड़ी जो है अंदर तक सिकती है। तो गैस की फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम ही रखनी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें 2 से 3 कचौड़ी आराम से बना सकते हो। देखिए मैंने भी इसी तरह से 3 कचौड़ियाँ डाल दी हैं, इन्हें लो फ्लेम पर सिकने दे रही हूँ और चम्मच की सहायता से इस तरह से पलट रही हूँ ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी हमसे सावधानी नहीं रही तो थोड़ा इसका शेप जो है ख़राब हो गया है, पर कोई बात नहीं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप फ्राई कर रहे हैं कचौड़ी को तो उसे चम्मच या फोक की सहायता से पलटें। तो तैयार है हमारी प्याज की कचौड़ी। हमने इसे ग्रीन और मीठी चटनी के साथ सर्व कर लिया है। कैसी लगी आपको ये डिश मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।